मोदी का विरोध क्यों? क्या मोदी कोई विदेशी है जो बाहर से आकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठ गए हैं? क्या मोदी का चरित्र दागदार है? क्या मोदी ने कोई भ्रष्टाचार किया है? क्या मोदी अपनी तिजोरी भर रहे हैं नेहरू गांधी परिवार की तरह? क्या मोदी का कोई बेटा, भतीजा, भाई, भौजाई जिसको वो लाभ देने में लगे हैं? क्या मोदी की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है? क्या मोदी राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं? क्या मोदी कामचोर हैं? स्वयं से सवाल करने पर हर बार आपका मन जवाब देगा नहीं। तो फिर मोदी से एलर्जी क्यों? अल्पज्ञानी आरोप लगाते हैं कि राम मंदिर नहीं बनवाया, धारा 370 नहीं हटाई, पीडीपी से गठबंधन कर लिया, 15 लाख नहीं दिए, अच्छे दिन नहीं आए। आप ही बताएं कि क्या आपको हर विषय में 100% नंबर मिलते थे? क्या आप पहली नौकरी लगते ही घर खरीद लेते थे? आपने 5वां फ्लोर पहले बनाया था या फिर मजबूत नींव? गाड़ी में 5वां गियर पहले आता है या पहला? उदाहरण और भी जोड़ सकते हैं। कोई नहीं बताता कि अगर मोदी नहीं तो और कौन? कौन बना सकता है स्थाई सरकार? कौन बनवा सकता है राम मंदिर? कौन हटवा सकता है धारा 370? कौन करवा सकता है किसानों की सुरक्षा? कौन कर सकता है भारत की रक्षा? ये एक साजिश है लुटेरों की, ताकि आप फंस जाएं और इनको लूटने को मिले। मई 2014 से आज तक सारे चोर, चुहार, देशद्रोही, आतंकी टाइप के लोग पगड़ाए हुए हैं। जरा सोचिए, अगर आपने आज मोदी का साथ नहीं दिया तो जैसे वाजपेयी सरकार के जाने के बाद सोनिया की गुलामी 10 साल करनी पड़ी थी, अब की बार शायद 100 साल से भी ज्यादा करनी पड़ेगी। खून के आंसू रोना पड़ेगा, एक बार जरूर सोचें। हमने अपने देश की बागडोर मोदी जी जैसे एक ऐसे मजबूत और ताकतवर व्यक्ति के हाथ में दी है, जो देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के भविष्य के बारे में 2400 घंटे सोचते हैं और उनके भविष्य को संवारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मीडिया और लोगों का विरोध सुनकर भी वे देश के भविष्य के लिए कार्य करते चले जा रहे हैं। वो अपने लिए नहीं, हमारे भारत के स्वर्णिम भविष्य के लिए जी रहे हैं। गर्व करें कि आप मोदी समर्थक हैं, कोई इटली की टीम के गुलाम नहीं या चीन का साथ देने वाले वामपंथी नहीं, ना ही अन्ना हजारे के साथ भारत माता की जय बोलकर सीएम बनने वाले और आज भारत माता की जय नहीं बोलने को जायज ठहराने वाले किसी के चेले नहीं। आप ही बताइए, जब देश का बंटवारा हुआ तब सरकार किसकी थी? जब पाक अधिकृत कश्मीर बना तब सरकार किसकी थी? जब मुंबई पर हमला हुआ तब सरकार किसकी थी? जब चाइना ने जमीन हड़पी तब सरकार किसकी थी? जब वीर सैनिकों के सर काट के पाकिस्तानी ले गए तब सरकार किसकी थी? बोफोर्स का घोटाला हुआ तब सरकार किसकी थी? सैनिकों की वर्दी पर पैसा खा गए, वो सरकार किसकी थी? सरदारों का कत्लेआम किया, वो सरकार किसकी थी? शिमला का समझौता कर देश की बेशकीमती जमीन पाकिस्तान को दे दी गई, तब सरकार किसकी थी? आसाम में हिंदुओं का खून बहा, तब सरकार किसकी थी? कश्मीरी पंडितों को मारा गया, तब सरकार किसकी थी? कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला, 2G घोटाला हुआ, तब सरकार किसकी थी? दूरदर्शन के मोनो से सत्यम शिवम सुंदरम हटाने वाली सरकार किसकी थी? भारतीय मुद्रा से सत्यमेव जयते हटाने वाली सरकार किसकी थी? वंदे मातरम का अपमान किया, वो सरकार किसकी थी? क्या आप जानते हैं इंदिरा गांधी के रास्ते में आने वाले लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रस्सेमय हालत में मौत हो गई? नेहरू के लिए खतरा बन रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय की हत्या कर दी गई और पुलिस ने आज तक इस साजिश से पर्दा नहीं उठाया। राजीव गांधी के लिए चुनौती बन रहे वीर बहादुर सिंह की पेरिस में मौत हो गई, जबकि उनको हृदय की कोई समस्या ही नहीं थी। सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की दो लोगों ने हिम्मत की, राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद। राजेश पायलट की कार को एक रहस्यमय तरीके से ट्रक मारकर गायब हो गया और जितेंद्र प्रसाद बरेली के एक सर्किट हाउस में मर गए। इनसे पहले सोनिया को चुनौती देने वाले सीताराम केसरी को पार्टी से भगा दिया गया।
राहुल गांधी के लिए खतरा साबित हो रहे माधवराव सिंधिया एक प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए, जबकि उनका प्लेन ब्रांड न्यू था, उसमें कोई समस्या नहीं थी और किसी भी मौसम में उड़ने का सिस्टम लगा था। कांग्रेस और विदेशी कंपनियों के लिए खतरा बन चुके राजीव दीक्षित की मौत हो गई। राजीव भाई की मृत्यु की खबर किसी मीडिया चैनल ने नहीं चलाई। मित्रों, जो भी इस परिवार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाता है उसकी रहस्यमय हालत में मौत हो जाती है। शशि थरूर की पत्नी इस बात का एक उदाहरण है। संविधान की धारा 30A के तहत विद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाना क्यों प्रतिबंधित है और मदरसों में कुरान और ईसाइयों को बाइबल पढ़ाने की छूट है? हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थानों के चढ़ावे पर 70% सरकार का हक, मस्जिदों और मजारों पर चढ़ावे का पूरा हक उन्हीं का, साथ ही सरकारी अनुदान। बाबा अमरनाथ और कैलाश पर्वत की यात्रा पर सरकार को टैक्स, लेकिन हज यात्रा पर सब्सिडी। इच्छा है तो इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, वरना स्वयं को भारतीय कैसे कहेंगे? जय हिंद।